हम लोग तो बाबा के भक्त हैं और अभी तो बिहार मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं आज संकट मोचन में दर्शन करने, उसकी पूजा अर्चना करने। क्या उनके जन्मोत्सव मंदिर से आप लोगों की इतने दूर से चले आए दर्शन करने? बाबा में असीम आस्था है, इनकी शक्ति में, इनकी बात में। हाँ, और बहुत दिनों से बाबा के सेवा में। क्या मांगेंगे आज बाबा से? बस सबकी खुशहाली, और कुछ कोई विशेष मांग नहीं करते बाबा से। सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, वैसे सामान्य सबको बनाए रहें। अच्छा, दिल्ली से वो काशी विश्वनाथ मंदिर आया था, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि यहाँ पर संकट मोचन भी मंदिर है, और आज फिर वो भी हनुमान का जन्म उत्सव भी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा लगा। मैंने मांगा तो क्या, सारी ज़िंदगी मेरी तो समर्पित है, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ। मंदिर आज अद्भुत सजा है, कैसा लगा? बहुत अद्भुत सजा है मंदिर, ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा सजा हुआ। जैसे वाटिका में वो लगे हुए थे फल फ्रूट, ऐसे फ्रूट लटका रखे हैं, और बहुत अच्छे लगे हैं सब। इसकी डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी है, फूलों से भी, फलों से भी, और वैसे भी भावना से भी। नहीं, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है कि हनुमान जी को ध्वज चढ़ाना, ये एक शुभ का प्रतीक है, और हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी आस्था मानी जाती है। हर आदमी अपने घर पे अगर ध्वजा लगाता है तो शुभ माना जाता है। ये यात्रा को आज 22 वर्ष पूरा होने जा रहा है, और ये यात्रा 2001 में शुरू हुई थी। इस यात्रा को यहाँ से धर्मसंघ क्षेत्र पालेश्वर से शुरू करके ये गुरुधाम, रविंद्रपुरी, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन में आएगी। वहाँ पहुँचने के पश्चात सभी महिलाएँ भगवान की सामूहिक रूप से आरती करेंगी। सभी पुरुष जो ध्वज लेकर चल रहे हैं, ये सब भगवान को अर्पण किए जाएंगे। उद्देश्य अपना ये होता है कि जो है विश्व में शांति बनी रहे। जैसा कि पिछले 6 महीने में देखा, 2 देश खत्म हो गए हमारे यहाँ से, नक्शे बदल गए, नाम बदल गए देशों के। तो ये जो है क्या, जो विकृतियाँ फैल रही हैं इसके, तो सुख शांति बनी रहे, भगवान से प्रार्थना करते हैं हर जगह शांति का माहौल हो और चैन की ज़िंदगी हो, इसी उद्देश्य से यात्रा को कर रहे हैं। 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक संदेश और देना चाहता हूँ कि इस संदेश में ले, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये एक मारवाड़ी समाज की या किसी समाज की, ऐसा नहीं है। हनुमान जी सबके हैं, हर समाज के हैं, इसमें हर समाज के लोग आ सकते हैं, सब समाज का स्वागत है। ऐसी कुछ मकर भ्रांतियाँ हो तो लोग दूर कर लें, हर समाज के लोग इसमें आ सकते हैं।